हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। उसमें हमने पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में, फोर्स होती क्या, उसका इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड पार्ट, मतलब लॉज ऑफ मोशन, जिनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, समझ लीजिए कि फिजिक्स की शुरुआत है आपके लिए, बट ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप ये लॉ को अच्छे से समझ जाओगे तो समझ लेना कि आपको फिजिक्स आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये लगा लीजिए कि लगभग पूरी फिजिक्स इन लॉ पर डिपेंड करती है जो मोशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ में पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड पढ़ना है और उसको समझना है कि वो होता क्या है, और ये हम पढ़ेंगे कि वो वर्ड दिया किसने था, हमें उस वर्ड के बारे में एक्सप्लेन किसने किया था। तो न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं एक वर्ड जिसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी? हर एक चीज़ की, आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, हर एक ऑब्जेक्ट की होती है। इनर्शिया का मतलब होता है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की जो अपने अंदर होने वाले चेंज को पसंद नहीं करता, कि कोई भी चीज़ ये नहीं चाहती कि उसके अंदर कुछ चेंज हो, या फिर कुछ से वो अपने अंदर चेंज करना नहीं चाहता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई आपको सलाह दे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो क्या करोगे? अरे छोड़ ना, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं, तुझे क्या पता, जो चल रहा है सही चल रहा है। तो इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया के बारे में बताया था, इनर्शिया के लिए हम बोल सकते हैं कि इट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। ये हमें दिया था किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर होने वाले चेंज को पसंद नहीं करता, वो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, वो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, बट अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? फोर्सफुली, धक्के से, है ना? तो देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है। गैलीलियो ने हमें बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट जैसा है, जिस भी सिचुएशन, जिस भी पोजीशन में है, जिस भी कंडीशन में है, वो उसी कंडीशन में रहना चाहता है, वो अपने अंदर चेंज नहीं होने देना चाहता। ठीक है, उन्होंने इस लॉ को तीन पार्ट में डिवाइड किया, हम तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं, तीनों को अलग अलग, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मैं तीनों के नाम लिख देता हूं। सेकेंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन, यहां पर हम जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो मोशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन्स लॉ को पढ़ने से पहले इसको समझना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसी पर बेस्ड है। ठीक है, मतलब समझिए, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब रुका हुआ है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कोई भी चीज़ अपने आप खुद से, मान लीजिए कोई भी, मान लें आपके पास कोई भी सामान रखा है, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, वो जहाँ है वहीं रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक हम उस पर कुछ फोर्स लगाकर या उस पर कुछ काम कर उसको डिस्प्लेस नहीं करते उसकी पोजीशन से। मतलब रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो कोई, फॉर एग्जांपल साइकिल खड़ी है आपके घर में, ठीक है, वो खड़ी है, खड़ी रहेगी, चलेगी कब? जब आप चलाओगे। चलेगी कब? जब आप चलाओगे। कब? आप कब चलाओगे? जब आप उस पर कुछ काम करोगे, वर्क करोगे, मतलब फोर्स लगाओगे, तभी वो क्या होगा? चलेगी, वरना तो क्या रहेगी? वो रेस्ट में रहेगी, जहाँ खड़ी है वो वहीं खड़ी रहेगी। क्या कभी देखा है कि साइकिल अपने आप चलने लग जाए?
ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, ए बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट या फिर वांट टू बी एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, ठीक है। समझ गए कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी भाई, मोशन में नहीं आएगी। कब आएगी मोशन में, जब हम उसको मोशन में लाना चाहेंगे, हम उस पर कुछ वर्क करेंगे या फिर फोर्स लगाएंगे उस पर, ठीक है। सेकंड वन इनर्शिया ऑफ मोशन, अब जो रेस्ट का था वही मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा, रुकेगा नहीं। अपने आप कोई चीज़ नहीं रुकती। कब रुकती है कोई चीज़, जब उस पर हम अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो रुकेगी कब, अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाएंगे। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, सोचो साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलती जाएगी, रुकती है कब, जब उस पर अपोजिट, या तो आप ब्रेक लगाओ या तो आप ब्रेक। लेकिन अब आप कहोगे सर साइकिल चलती 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 अगर हम पेडल मारना बंद कर दें तो कुछ देर के बाद साइकिल रुक जाती है। वो क्यों रुकते हैं, क्योंकि उस टाइम भी उस पर एक अपोजिंग फोर्स लगती है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। कौन सी फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शनल। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे तो वो साइकिल रुकेगी नहीं। तो कहने का मतलब ये है सीधा सा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा जब तक कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स ना लगे। ए बॉडी विल रिमेन इन मोशन, ठीक है। कब तक आप लाइन जोड़ सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब दूसरी चीज होगी, तीसरी चीज डायरेक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है, वो इधर मुड़े या इधर मुड़े, कब मुड़ेगा। मान लो आप कोई भी चीज़ चला रहे, अरे साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, कि साइकिल सीधी चल रही है, सीधी जाएगी भाई, मुड़ेगी कब, जब आप उसको मोड़ोगे, जब आप उस पर कुछ फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल एफर्ट करोगे, कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वरना तो वो कैसे जाएगी, जैसे चल रही थी वो वैसे जाएगी। ए बॉडी विल रिमेन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन विल रिमेन रिमेन इन मोशन नहीं सॉरी आप इसको ऐसे लिखो विल रिमेन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन मोशन कर लीजिए, आप यहां पर लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो ये तीन चीजें बताई थी कि इन्होंने, गैलीलियो ने, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक है। ये चीजें किन्होंने बताई थी, गैलीलियो ने। अब इन्हीं चीज़ों को इसी लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके न्यूटन ने अपना लॉ बनाए, ठीक है, अपना लॉ बनाया। और कौन से लॉ बनाए, आइए अब हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला लॉ डिस्कस करते हैं जो कि ये यही है, क्या है इसको नोट कर लीजिए, जल्दी करिए, हो गया नोट, हो गया, पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं इनर्शिया का मतलब, समझ गए, इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी किसकी, मटेरियल की, आपकी मेरी हर किसी चीज की एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या करती है, अपने अंदर होने वाले चेंज को पसंद नहीं करती, मतलब अपोज करती है। अगर कोई उसको बदलना चाहे तो उसको बदलने का मूड नहीं होता,
ठीक है। अब करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। वही है भाई, सेम जो मैंने अभी बताया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने क्या बोला कि गैलीलियो जो लॉ ऑफ इनर्शिया को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उन्होंने बना दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, एक डायरेक्शन मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। क्योंकि हमें पता है रेस्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो चलेगा कब, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो हम इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, लिखिए, नोट कीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस इट स्टेट्स दैट, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इफ ए बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट it will remain at rest। second part, तीनों लिख लीजिए, if a body in motion it will remain in motion। And third one is and if a body move in one particular direction then it will remain in that direction until, जब तक कि हम उस पर, until we applied an external force, जब तक कि हम उस पर कोई external force apply नहीं करते। definition देखने में आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, है ना, बड़ी नहीं है, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए, आप आराम से लिख सको। एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और एक डायरेक्शन मूव करे तो उसी डायरेक्शन मूव करेगी, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, कोई भी चीज़, जैसे अगर कोई रेस्ट में है तो इसका एक बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है, अगर आप करके देखना चाहो तो हम आपकी बुक में मिल जाएगी शायद। तो जैसे आप क्या करो, एक ग्लास लो, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखो, उसके ऊपर एक सिक्का रखो, कॉइन रखो, और फिर क्या करो, देखो, चलो आप करके देखना, एक गिलास है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड, कुछ भी कत्ते टाइप में, कुछ भी कागज़ वगैरह आप रख के उसके ऊपर सिक्का रखो, सिक्का क्या है, रेस्ट में। अब आप क्या करो, आप फोर्स लगाओ किस पर, उस कार्डबोर्ड पर। जैसे आपने फोर्स लगाई कार्डबोर्ड क्या करेगा, मूव करेगा, और सिक्का क्या रहेगा, वहीं रहेगा। अपने फोर्स किस पर लगाई, उस कार्डबोर्ड पर, बट सिक्का तो वहीं रहेगा ना जहां था, वो तो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहिए, वो उसके साथ मूव नहीं करता। तो ये एक्टिविटी आप करके देखना चाहो तो कर सकते हो। दूसरा, अगर रेस्ट में है, जैसे आप बाइक चला रहे हो,
जैसे आप बाइक चलाते हो स्टार्टिंग में, बाइक स्टार्ट करते हो और एकदम से आप बाइक चलाते हो, तो आपकी बॉडी क्या होती है? रेस्ट में होती है। कैसी होती है? रेस्ट में होती है। जैसे ही आप ऑन करोगे आप पीछे की तरफ जाते हो ना। हुआ होगा कई बार कि कई बार किसी ने रेस दे दी और आप वहाँ हो और आपको पीछे की तरफ एक झटका लगता है। क्यों? क्योंकि मोशन में कौन आया? बाइक। आप तो रेस्ट में थे, तो आप जहाँ थे आप वहीं रहना चाहते हो, आप जहाँ थे वहीं रहना चाहते हो। तो उस टाइम वो एग्जांपल किसके लिए है? आपके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए। आप इसको समझ गए, थ्योरेटिकल है, ज़्यादा कोई इसमें मैथमेटिकल नहीं है, सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट याद करनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप अपने डेली लाइफ से भी ले सकते हैं, बुक से भी याद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इस चीज़ के। तो ठीक है, तो अब बढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ, इसको नोट कीजिए, इसकी डेफिनेशन, फिर हम सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। नोट करिए जल्दी, आइए अब सेकंड लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले एक वर्ड और हम पढ़ते हैं, एक वर्ड के बारे में और जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिसका यूज़ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में होगा, और वो वर्ड है मोमेंटम। मोमेंटम जिसका सिंबल होता है पी, पी मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है कि किस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें कितना मोशन है, कितनी क्वांटिटी है। आप थ्योरेटिकली हम इसको डिफाइन करना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं? मोमेंटम। या फिर हम इसको दूसरे वर्ड में और मैथमेटिकली जो हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब किस किस का प्रोडक्ट होता है? प्रोडक्ट किस किस का? मास एंड वेलोसिटी। देखिए मोशन में कौन होगा? जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसके साथ एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? उसके पास क्या होगा? मास होगा, उसका अपना मास होगा। और जो मोशन में होगा, मोशन में होगा तो उसकी अपनी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, किसी न किसी स्पीड से, किसी न किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो पी, पी का फॉर्मूला क्या बनता है? पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। पी का फॉर्मूला क्या बनेगा? मास इनटू वेलोसिटी। हेयर एम क्या है? मास ऑफ बॉडी। कौन सी बॉडी? जो मोशन में है। वी वेलोसिटी, वी वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी? जिस वेलोसिटी के साथ, जिस स्पीड के साथ वो चल रहा है वो वेलोसिटी। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो हमें क्या बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में कितना मोमेंटम है, ठीक है, कितना मोशन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में। तो पी इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम किस चीज पर डिपेंड करता है? सोचिए, किन दो चीजों पर? किन दो चीजों पर? मास पर और वेलोसिटी पर। ठीक है, तो किस बॉडी के पास मोमेंटम ज़्यादा होगा? अगर कोई हैवी बॉडी है और वो पर्टिकुलर मोशन में है तो क्या होगा? उसके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसके पास मोमेंटम ज़्यादा होगा, और हमें उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम उसको रोकना चाहते हैं। तो सोचिए एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक टायर है, एक रबड़ का टायर होता है ना, सिंपल रबड़ के टायर, सेम साइज, और उसी सेम साइज का एक लोहे का टायर लो, लोहे के व्हील, और दोनों पर फोर्स लगाओ
जो एक बार मोशन में आ गया, दोनों के पास मोमेंटम, किस किसको रोकने के लिए? आपके पास, आपकी तरफ एक रबड़ का टायर आ रहा है, सेम साइज एक लोहे का टायर आ रहा है, ठीक है, किसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, लोहे के, जो व्हील होगा लोहे का, उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास मोमेंटम ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मोमेंटम इट्स डिपेंड अपॉन, यानी मोमेंटम किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास कितना मोमेंटम होगा? उसके पास कितना मोमेंटम होगा तो बताइए, सोचकर कितना होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई रखा है, मान लीजिए आपके पास कोई बुक रखी, उसका मोमेंटम कितना होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो मोमेंटम भी कितना हो जाएगा? जीरो। तो देखिए, मोमेंटम किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पर। और मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम कितना होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो, क्योंकि रेस्ट में है तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है। अब हम मोमेंटम को मेजर किस चीज़ में करेंगे? यूनिट क्या होगी इसकी? पी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? मास इंटू वेलोसिटी। मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम। वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। आपको पता लग गया है किसका मोमेंटम कम होगा, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा, अगर वो मोशन में है तो, और मास कम है तो मोमेंटम भी कम। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑलरेडी मोमेंटम तो ज़्यादा होगा ही होगा। अब देखिए एक चीज़ और देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट हैविंग मास m। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, वो मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी u। उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पर फोर्स लगाई, किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में हमने इस पर, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, जिस डायरेक्शन में ये ऑलरेडी मोशन में था, मोशन में था। मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और हमने क्या किया, उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स और लगा दी, तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्या होगा? वो और ज़्यादा जल्दी जल्दी दौड़ने लगेगा। तो आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, पहले इसका मोमेंटम कितना था? मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका मोमेंटम कितना हो गया, वेलोसिटी कितनी होगी? वी। तो उसका मोमेंटम कितना हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। कितना हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम में कितना चेंज आया? इसका मोमेंटम हम P1 मान लेते हैं पहले वाला, P2 मान लेते हैं सेकेंड वाला, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? सो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा? P2 माइनस P1 इज इक्वल टू किसके इक्वल? mv माइनस mu। मास सेम है, m कॉमन, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? इतना कि फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके मोमेंटम में कितना चेंज आया, उसको हम कैसे निकालेंगे? इस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम फोर्स, अच्छा एक तो हमने देख लिया कि फोर्स, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव करता, हमने फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाई तो मोमेंटम में क्या हुआ, इंक्रीज, बढ़ गया। लेकिन अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाते तो क्या होता, उसका मोमेंटम कम हो जाता क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती, ठीक है। तो मोमेंटम जो में जो चेंज हुआ उसको हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ गए मोमेंटम क्या होता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन में है उसमें कितना मोशन होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी पर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। अब चलते हैं अपने सेकेंड लॉ की तरफ, किसकी तरफ? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। नोट करिए इसको, नोट कीजिए, पॉज करके कर लो, पॉज करके।
आइए अब हम चलते हैं अपने सेकंड लॉ की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ होता क्या है? अब हमने मोमेंटम को पढ़ लिया, क्योंकि मोमेंटम का इसमें यूज़ होता है, क्योंकि मोमेंटम पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये क्या बोलता है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, तो वो उसके कारण क्या होगा, किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक है। किसी के बॉडी के मोमेंटम में, मान लीजिए कोई ऑलरेडी इन मोशन में है विद सम वेलोसिटी, हम फोर्स लगाते हैं, एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद मोमेंटम एम यू, अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा। अगर आप इस डायरेक्शन में लगाओगे तब भी उसके मोमेंटम में चेंज होगा, अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तब भी आपके मोमेंटम में चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। कितना होगा, कितना होगा, अब कितना होगा, जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे मोमेंटम में उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो कम होगा, ठीक है। और चेंज कैसा होगा, मतलब किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो चेंज भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ऐसे, तो क्या होगा, चेंज किस डायरेक्शन में होगा, पहले वो पर्टिकुलर एक मोमेंटम के साथ मूव कर रहा था, अब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हमने क्या किया, उसको रोकने की कोशिश की, तो क्या होगा, उसका मोमेंटम डिक्रीज होगा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाएगा, मोमेंट, तो क्या होगा, उसका मोमेंटम डिक्रीज होगा। यानी फोर्स लगाने के बाद जो मोमेंटम में चेंज होगा वो कैसा होगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे वो चेंज उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यही आपकी न्यूटन के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या है स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द रेट का मतलब क्या होता है, जहां पर रेट वर्ड जुड़ जाता है, क्या रेट वर्ड, आपको समझ लीजिए वो क्वांटिटी किस चीज पर, किससे रिलेट होगी, टाइम से, किससे रिलेट होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या मोमेंटम, इसलिए मैंने आपको पहले मोमेंटम बताया था। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, and the changes takes place, जो change होगा takes place in the direction of applied force, ठीक है। स्टेटमेंट्स एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा फॉर्मूला क्या बनाया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ का मतलब चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम, अब मतलब क्या हुआ, वो मोमेंटम कितने टाइम में चेंज हुआ है, देखिए कम टाइम लेगा तो क्या होगा, फोर्स, अगर हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाते हैं, अगर उसने टाइम ज़्यादा लिया, अगर टाइम की वैल्यू ज़्यादा हुई या फिर कम हुई, ये टाइम का और फोर्स का रिलेशन क्या है, टाइम का और फोर्स का रिलेशन क्या है,
टाइम कम होगा तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगी, क्या होगा, टाइम कम होगा, यानी कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम का चेंज होना, इसका मतलब क्या, वो ज़्यादा फोर्स क्रिएट करता है, ज़्यादा अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज होगा, अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम थोड़ा लेट होगा, यानी टाइम ज़्यादा लेगा मोमेंटम के चेंज होने में। एक तो हम फोर्स लगाएं एकदम से धक्का मारें, ठीक है वो एकदम से आगे जाएगा, एक धीरे धीरे पुश करें, दोनों में फ़र्क है। एक में क्या क्या, एकदम से हमने टाइम कम लिया, धक्का मार दिया, फोर्स लगा दी, दूसरे में क्या किया, हमने उसको धीरे 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 पुश किया, तो टाइम ज़्यादा तो फोर्स तो क्या होगा, कम ही लगेगी उस पर। तो टाइम जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ही कम हमें, यानी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए अगर हम कम टाइम में ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम भी एकदम से चेंज होता है, अगर हम ज़्यादा टाइम में फोर्स लगाते हैं, कुछ फोर्स लगाते हैं, तो मोमेंटम भी धीरे 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 क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम, हमारे पास फॉर्मूला है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी, हमने चेंज इन मोमेंटम का अभी देखा था क्या फॉर्मूला होता है, एम वी माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू डिवाइड बाई क्या, टाइम टेकन टी, जितने टाइम में वो चेंज किया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, एक कॉन्स्टेंट, क्या यूज़ करते हैं, एक कॉन्स्टेंट, देखिए कैसा कॉन्स्टेंट, एफ, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे के, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे एम, इसमें से क्या लेंगे, दोनों में मास कॉमन है, एम कॉमन आ जाएगा और क्या बन जाएगा, बी माइनस यू डिवाइड बाई टी, किसके इक्वल, फोर्स के इक्वल। अब हमने ये क्वांटिटी देखी, वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, याद है ना या भूल गए, इसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन, क्या बोलते हैं, वी नो दैट v माइनस यू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू ए एक्सेलेरेशन, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू के एम इंटू ए, के एम इंटू ए। ठीक है, फॉर इन SI सिस्टम, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इन SI सिस्टम, SI सिस्टम मतलब जिसमें हम यूनिट बनाते हैं, मेजर करते हैं SI में, जैसे मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, SI सिस्टम, K इज इक्वल टू 1, क्या होगा, K किस K की वैल्यू कितनी होती है 1, देन इस केस में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए, और ये क्या, किसका फॉर्मूला है, फोर्स का, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्स इक्वेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सा है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसके मोमेंटम में जो चेंज होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जितनी आप फोर्स लगाओगे उस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उसमें उतना ही ज़्यादा चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ही ज़्यादा उसमें चेंज होगा। और दिस कॉल्ड, हमने इस न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने क्या किया, ये फोर्स इक्वेशन भी डिराइव कर ली, फोर्स का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। ठीक है, फोर्स की यूनिट वगैरह हम पहले कर चुके हैं, पता है ना फोर्स की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन। तो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, आइए हम इसके कुछ यूज और एप्लीकेशन करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। आइए, तो अभी हमने देखा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा, जिसमें हमने फॉर्मूले को डिराइव किया, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, और जो कि हमने किससे निकाला था, चेंज इन मोमेंटम से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है, एम वी, एम इनटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, एप्लीकेशन पढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूटन सेकेंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं उसमें न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, क्योंकि इस लॉ से हम फर्स्ट लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सबको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में होगा तो मोशन में रहेगा, मतलब अगर वो किसी भी स्पीड से
चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसी स्पीड से चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो आइए हम उसको प्रूव करते हैं कि क्या वो स्टेटमेंट सही है जो न्यूटन ने दी थी। देखिए, इसको हम यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को जो हमने अभी अभी डिराइव किया सेकेंड लॉ का, एफ इज इक्वल टू एम इन टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होगी, मतलब रेस्ट में होगा तो वो रेस्ट में रहेगा, और मतलब जो वेलोसिटी उसकी पहले थी वही वेलोसिटी उसकी बाद में रहेगी। तो इफ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो देन एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, टी को उधर लेके जाओ, क्या बनेगा, एम वी माइनस एम यू, टी को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, जीरो। अब ये माइनस का, अब इसको इधर लेके जाओ, क्या होगा, एम वी इज इक्वल टू एम यू। ठीक है, एम से एम कैंसिल, दोनों तरफ एम है, तो क्या रिलेशन बना हमारे पास, वी इज इक्वल टू यू, और v और u क्या होता है, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी और u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही उसकी क्या रहेगी, फाइनल वेलोसिटी। यानी ऑब्जेक्ट पहले जिस भी जैसे भी मोशन में था या रेस्ट में था, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी मतलब वो रेस्ट में था, तो वो रेस्ट में रहेगा अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो। अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं, अगर वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, जैसे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो इस प्रकार हम न्यूटन के सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूव कर सकते हैं, समझ गए। तो इसलिए हम इसको न्यूटन के सेकेंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो आइए हम इसकी कुछ एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ की। एप्लीकेशन मतलब यूज, कहां कहां जो स्टेटमेंट है क्या वाकई में वो एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब इसका यूज, यानी न्यूटन के सेकंड लॉ को कहां कहां यूज किया जा सकता। फर्स्ट कुछ एग्जांपल लेंगे हम जिसके आप समझ को कि हाँ क्या वाकई में ऐसा होता। फर्स्ट वन कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, क्रिकेट तो सभी खेलते होंगे, इन केस ऑफ कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, क्रिकेट खेलते हो, खेला नहीं होगा तो देखा तो होगा कि जब कोई बैट्समैन शॉट लगाता है तो फील्डर कैच करता है, और कैच कैसे करते हैं हम, जब शॉट लगाता है बॉल आती है, बॉल में कुछ मोमेंटम होता है, तो जब वो कैच करेगा, कैच करता है, अलग अलग तरीके होते हैं कैच करने के, तो जब वो कैच करता है वो जैसे ही बॉल उसके साथ हाथ में टच होती है वो साथ साथ हाथ को नीचे लेके जाता था। क्यों लेके जाता है, उसका रीज़न क्या होता है कि अगर देखो, अगर वो एकदम से कैच करेगा, अगर वो जैसे बॉल यहाँ पर हाथ फिक्स कर ले, बॉल आई लगी एकदम से फोर्स में, जो मोमेंटम होगा वो क्या लगाएगा उस पर, उसके हाथ पर फोर्स। ठीक है, जितने कम टाइम में वो टी की वैल्यू जितना कम होगा फोर्स उतनी ही उसके हाथ पर ज़्यादा लगेगी, यानी उसके हाथ को हर्ट ज़्यादा करेगा, चोट ज़्यादा लगेगी। ठीक है, लेकिन इसको वो कम करने के लिए क्या कर देता है, टी को बढ़ा देता है। टी को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, जैसे ही वो कैच करता है वो हाथ को पीछे लेके जाता है, जितनी देर तक वो नीचे लेके जाएगा उतना टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, इसमें भी क्या यूज करते हैं हम, न्यूटन का सेकेंड लॉ भी हमारे काम आता है कि अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो क्या रिजल्ट क्या है, If time increase, then force decrease. ठीक है, यानी time बढ़ेगा तो force आपकी कम लगेगी, अपने आपके हाथ पर चोट कम लगेगी। दूसरा ऐसे ही सारे ऐसे ही example हैं, in case of high jumper,
हाई जंप पर। हाई जंप किया होगा आपने, देखा हो टीवी में जैसे ओलंपिक गेम्स वगैरह होते हैं, जो भी हमारे नेशनल गेम्स होते हैं, हाई जंपर होता है, एक पोल लगा देते हैं, एथलीट क्या करता है भाग कर आता है और उसके ऊपर से जंप करता है, और जो दूसरी तरफ होता है हम उस पर क्या, वहाँ पर क्या होता है, क्या वो सीधा फर्श पर गिरता है या क्या क्या लगा होता है, एक बेड लगा देते हैं गद्दे टाइप में वो लगा, तो उससे होता क्या है, अगर हम ऐसे जंप करके आएंगे और एकदम से फर्श से टकराएंगे, फर्श से टकराएंगे तो क्या होगा, सीधा डायरेक्ट टक, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, कोलिजन होगा फर्श का आपके साथ, उसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा, टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर हम बेड वगैरह या कुशन वगैरह गद्दे वगैरह रख देते हैं तो जब वो उस गद्दे पर टकराता है तो वो गद्दे के साथ साथ नीचे थोड़ा सा प्रेस होता है, उस टाइम पर उसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, उनके कॉन्टैक्ट का टाइम बढ़ जाता है, और टाइम के बढ़ने से क्या होगा, फोर्स, जो सरफेस है वो जो फोर्स लगाएगी उस एथलीट पर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब उसको हर्ट नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी। तो वहाँ भी क्या यूज़ होता है, ये वाला आपका फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, इसका कंसेप्ट, सेकेंड लॉ का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन गाड़ी में तो सोए बैठे होंगे, यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार, कारों में सीट बेल्ट, गाड़ी में बैठे होंगे आपने सीट बेल्ट भी लगाई, वो क्यों लगाते हैं, वो किस लिए लगाते हैं, क्या यूज होता है उसका, कि बाई चांस खुदा ना करे कि अगर बाई चांस एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आगे कुछ आ जाता है, या फिर एकदम से अचानक से हमें ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं, तो हम क्या करते, जैसे ही ब्रेक लगाएंगे हम एकदम से क्या जाते हैं, आगे जाकर डैशबोर्ड पर हम टकराते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सीट बेल्ट बांध देते हैं, यहाँ से बांधी जाती है ऐसे, तब वो जब वो आगे जाता है तो वो सीट बेल्ट उसको रोक लेते हैं, और आगे टकराने का क्या होता है, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे एकदम से आगे नहीं जाता, वो थोड़ा सा बेल्ट उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और अगर वो टकराता भी है, मान लो ड्राइवर है, टकराता भी है किससे, स्टेयरिंग से, हैंडल से टकराता भी है, तो उतनी फोर्स से नहीं टकराएगा, उतने टाइम में नहीं टकराएगा जितना पहले टकराना हो, तो क्या हो जाएगा, उसका टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ने से क्या होगा, जो कोलिजन का टाइम आपका बढ़ जाएगा, और फोर्स कम लगेगी तो उसको हर्ट भी कम होगा, चोट भी कम लगेगी। तो इस प्रकार कुछ एप्लीकेशन है, कुछ यूज़ है, ऐसे बहुत और भी हैं, ठीक है। तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी, इसको प्रूफ किया, हमने फोर्स इक्वेशन को डिराइव किया, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूफ किया, फिर हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी। अब रहता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, तो एक बार इसको नोट करो, फिर हम अपने थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, करिए नोट। आइए तो अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दो लॉ हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड लॉ ये तो सबसे सिंपल है, बहुत इजी है। और क्या होता है ये थर्ड लॉ, कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, एक सिंपल लाइन में हम इसका मतलब समझ सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये क्या क्या कहना चाहता है, अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाता है, एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये सरफेस है, यहाँ पर कोई टेबल है, ठीक है, इस पर कोई हमने बुक रखी है, तो बुक इस पर कुछ फोर्स लगाएगा, फोर्स कौन सी, इसका वेट, वेट क्या होती है, फोर्स होती है, आपको पता है, ये कुछ फोर्स लगाता है इस पर, बुक पर, उसको हम मानते हैं F1, ठीक है, F1, तो ये बोलता है कि जितनी फोर्स ये बुक टेबल पर लगाएगी उतनी ही फोर्स ये टेबल बुक पर लगाएगी, ये F2, उतनी फोर्स ये टेबल बुक पर लगाएगी, और दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी, ठीक है, दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, तो इसके बट एक कंडीशन है, दोनों की फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी, दोनों की फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी, देखिए F1 इज इक्वल टू F2, बट साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि बुक टेबल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रही है, नीचे की तरफ, और
ये टेबल बुक पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? ऊपर की तरफ, इसलिए हम क्या यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए? माइनस, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। और ये जो फोर्स लग रही है दो अलग अलग बॉडीज पर लग रही है, एक ही ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स नहीं लग रही, बुक टेबल पर लगा रही है और टेबल बुक पर लगा रही है, बट दोनों क्या है? अपोजिट। और ये दोनों फोर्स कैसी होंगी? अपोजिट। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को हिट करते हो, कोई भी चीज़, मान लो आप दीवार को ही हिट करो, आप दीवार पर सिर मार कर देखो, जितनी ज़्यादा फोर्स से आप मारोगे उतनी ही ज़्यादा फोर्स दीवार आप पर लगाएगी। दीवार आप पर लगाएगी, नहीं यकीन तो आप ट्राई करके देख लेना। देखो हल्के से आप सिर मारोगे तो वो दीवार भी क्या आपकी सिर पर कैसी फोर्स लगेगी? हल्की सी लगाएगी। ज़्यादा तेज से मारोगे तो ज़्यादा लगाएगी। यानी जो आप एक्शन करोगे, आपने फोर्स लगाई दीवार पर, आपने क्या किया? एक्शन। तो दीवार का रिएक्शन क्या होगा? वो भी क्या करेगी? आपके अपोजिट, आप पर फोर्स लगाएगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। डेली लाइफ में भी आप इसको समझ सकते हो। अगर मान लो एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट, कैसे? अगर आप किसी को छेड़ के देखो, छेड़ने का मतलब किसी को थप्पड़ मार के देखो, तो वो क्या करेगा? वो भी आप पर क्या लगाए? उल्टा आपको एक थप्पड़ लगाएगा जरूर। इसका मतलब क्या है? आपने कुछ एक्शन किया तो रिएक्शन तो होगा ही, रिएक्शन तो होता है, तो लेकिन होता क्या है? अपोजिट। होता क्या है? अपोजिट। तो इसकी हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एक तो सिंपल सी स्टेटमेंट क्या है? एवरी एक्शन एंड इट्स रिएक्शंस, इट रिएक्शंस, रिएक्शंस आर always always equal and opposite are equal and opposite। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाएगा वो ऑब्जेक्ट उतनी ही फोर्स उस पर लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है? या हम फोर्स की लैंग्वेज में हम इसको लिख लेते हैं। According to this, if a body exert a force on another body, then that body also react with equal and opposite force। यानी वो बॉडी भी उस पर क्या लगाएगी? सेम इक्वल अमाउंट में फोर्स क्या लगेगी? इक्वल लगेगी। जैसे एक और एग्जांपल, आप बोल लो, बोल आप पर फर्श पर मारो, पहले हल्के से मार के देखो, आपने हल्की फोर्स से फर्श पर फेंकी तो बॉल भी हल्के से जंप होकर वापस आएगी, जोर से मारोगे तो बॉल जोर से जाएगी। तो रिएक्शन किसने किया? ये ऊपर ज़्यादा दूर तक जाती है किसके कारण? आप पर जो फोर्स लगाओगे, आप जितनी ज़्यादा लगाओगे क्या होगा? सरफेस भी उतनी ही ज्यादा उस पर फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इस थर्ड लॉ के बहुत सारी एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में भी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो इस न्यूटन्स थर्ड लॉ के स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग, इसी प्रिंसिपल पर के बेस पर हम चलते हैं। क्या करते हैं? चलते हैं। तो आइए हम इसकी कुछ एप्लीकेशन करते हैं। एक बार ये डेफिनेशन नोट करो, जल्दी नोट करिए, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है? एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन. फर्स्ट, हाउ डू वी वॉक, हम चलते कैसे हैं, कैसे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसको एक्सप्लेन करता है. देखिए, जब हम चलते हैं तो आप देखते होंगे कि जब हमारा पिछला पैर, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हमारा पिछला पैर क्या करता है, पिछला पैर क्या करता है अर्थ की सरफेस पर एक फोर्स लगाता है. क्या करता है, फोर्स लगाता है. तो वो जो फोर्स लगाएगा उतनी फोर्स सरफेस हमारे पैर पर लगाती है. पैर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है और सरफेस हम पर आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं. ठीक है, पैर पीछे की तरफ फोर्स और सरफेस आगे की तरफ, जिसके कारण हम आगे चलते हैं. अब जब हम देखो, जितनी ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे उतनी जल्दी से हम चलते हैं. जब हम स्लो चलते हैं धीरे धीरे, तो हम फोर्स भी कैसे लगाते हैं, फोर्स भी हमारी कैसी लगती है, हल्की. लेकिन जब हमें भागना होता है ना, भागेंगे तो क्या होगा, हमारा पैर सरफेस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा और सरफेस हमें ज़्यादा फोर्स के साथ आगे की तरफ धकेलता है. तो जो जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं सर, अगर वो फोर्स ना लगे तो, अगर हमारा पैर सरफेस पर फोर्स ना लगाए लगे तो इस उसे क्या होगा, फोर्स नहीं लगा पाएगा. मान लीजिए कि जब हम कई बार क्या करते हैं कि आपने देखा होगा, कई बार हम फिसल जाते हैं प्लेन सरफेस पर या पानी से. हम क्या करते हैं, पानी पर जैसे ही हमारा पैर रखता है, हम लगाते हैं, हम पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं. इसका रीज़न क्या होता है, हमारा पैर, हम सरफेस पर फोर्स लगा ही नहीं पाते. बेसिकली हम इसको दूसरी वर्ड्स में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो जब ह्यूमन बीइंग कैसे चलता है उसको न्यूटन्स थर्ड लॉ के बेस पर भी एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है, हम सेकंड एप्लीकेशन देखिए, रिकॉयल ऑफ गन, रिकॉयल ऑफ गन क्या होता है कि आपने देखा होगा, किसी ने खुद भी चला कर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो किसी को चलाते हुए जरूर देखा होगा, राइफल गन वगैरह. तो मान लीजिए अब ये ड्राइंग गन, ये मान लीजिए गन है और इसमें यहाँ पर क्या होता है. ठीक है, जब बुलेट यहाँ होती है हमें पता है, हम क्या करते हैं, ये ट्रिगर होता है, इसको दबाते हैं. जैसे ही ये बुलेट यहाँ से निकलकर बाहर जाती है तो क्या होता है, जैसे ही ये बाहर की तरफ जाती है, अब वो फोर्स कहाँ लगी, बाहर की तरफ, वैसे ही एक ये फोर्स अंदर की तरफ एग्जर्ट करती है, अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है. और देखा होगा कि जब नॉर्मली आपने देखा होगा, लाइव नहीं तो टीवी में देखा होगा, जब कोई फायर करता है, बुलेट आगे की तरफ जाती है और जो गन होती है हल्का सा झटका पीछे की तरफ देता है. हल्का सा क्यों लगता है, क्योंकि बुलेट का साइज़ बहुत छोटा होता है, बुलेट का मास बहुत कम होता है. वो जो फोर्स आगे की तरफ पीछे की तरफ लगाती है वो फोर्स कम होती है और गन का मास ज़्यादा होता है, भारी होती है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती पीछे, वो हल्का सा जर्क देकर रुक जाते हैं. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकॉयल ऑफ गन. जो जर्क झटका लगता है पीछे की तरफ, कैसे फायरिंग करते हैं, क्या होता है, झटका लगेगा हमारे शोल्डर की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉयल ऑफ गन. ये क्या, जितनी फोर्स से बुलेट आगे की तरफ जाएगी उतनी फोर्स ये पीछे की तरफ भी अप्लाई होती है. मान लीजिए F1, ये F2, और ये दोनों फोर्स कैसी होती हैं, इक्वल. बट इस पर ये बहुत तेज़ी से पीछे क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है, इसका मास कम होता है बुलेट का, इसलिए वो आगे की तरफ जाती है. इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉयल ऑफ गन. ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन देखिए. ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन जैसे फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन एंड रॉकेट्स, हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा होगा, रॉकेट को उड़ते हुए देखा होगा. रॉकेट छोड़ो, एरोप्लेन छोड़ो, आप एक बैलून लो, उसमें हवा भरो, हवा हो जाएगी,
कुछ इस प्रकार। आप हवा भरते हो, इस साइज का हो जाएगा। आप इसको यहां से बंद करके रखते हो, बंद करके रखते हो, ठीक है। आप इसको छोड़ दो, क्या होगा, इसमें से हवा किस तरफ जाती है, किस तरफ, इस तरफ बाहर की तरफ निकलती है, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा हो तो बाहर की तरफ। ये किस तरफ जाता है, हवा इस तरफ, ये फोर्स इस तरफ लगाता है, एक फोर्स उसके कारण, प्रेशर के कारण एक फोर्स उस तरफ लगती है। और आप छोड़ के देखना, कभी हवा भर के और उसको छोड़ के देखना, हवा इधर और वो जो बैलून होगा वो आपका दूर जाकर गिरेगा। जितना वो जितनी फोर्स इस तरफ बाहर निकलेगी प्रेशर के कारण, उतनी फोर्स से वो भी क्या जाएगा, उस तरफ जाएगा। और यही बेसिक प्रिंसिपल होता है एरोप्लेन के उड़ने का, रॉकेट के उड़ने का, एरोप्लेन और रॉकेट के उड़ने का यही बेसिक प्रिंसिपल होता है। कैसे, रॉकेट जैसे ये कुछ इस शेप के होते हैं, और जब यहाँ पर हम इंजन चलाते हैं और फ्यूल बर्न्ट होता है तो यहाँ से क्या होती है, गैसेस निकलती हैं। क्या निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं। गैसेस का नीचे क्या लगाता है, प्रेशर, फोर्स लगती है। जितनी ज़्यादा गैसेस निकलेंगी, जितनी ज़्यादा नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स इस पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, जिसके कारण ये क्या होता है, सीधा उड़ने लगता है। एक फोर्स नीचे की तरफ, ये कौन लगाता है, F1 बाई एग्जॉस्ट गैसेस, जो गैसेस निकलती हैं, और फिर इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है। यही प्रिंसिपल एरोप्लेन के केस में होता है, एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है। सेम, तो किसके कारण उड़ते हैं ये एरोप्लेन एंड रॉकेट, इसके कारण, ठीक है। अब और भी एप्लीकेशन है, जैसे फोर्थ, द केस ऑफ बोट एंड सिप, जहाज। आप मान लो बोटिंग की होगी, कभी बोट से बाहर निकलते होगे, तो जब बोट से आप उतरते हो और सरफेस पर पैर रखते हो, तो पीछे वाला जो पैर होता है वो बोट पर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल, चलो छोड़ो, आप उतरने का छोड़ो, बोटिंग की होगी, जब चप्पू चलाते हैं हम, उससे क्या करते हैं, हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो उतनी फोर्स से पानी बोट को आगे की तरफ धकेलता है। जितनी जल्दी जल्दी आप चप्पू चलाओगे, उतनी जल्दी जल्दी बोट की स्पीड आगे की तरफ बढ़ेगी। वहाँ भी क्या होगा भाई, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। धीरे चप्पू चलाओगे तो बोट भी धीरे धीरे चलती है, और जल्दी जल्दी लगाओगे तो बोट भी स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का, किसका है। अब एक और, जैसे हॉर्स एंड कार्ट केस, इसमें क्या होता है, जैसे छकड़ा गाड़ी आपने देखी होगी, घोड़ा गाड़ी, वो क्या करता है, जब चलना स्टार्ट करता है घोड़ा, क्या करता है, आगे की तरफ झुकता है और अपने पीछे वाले पैर से क्या करता है, सरफेस पर पूरी फोर्स लगाता है स्टार्टिंग में। आप घोड़ा गाड़ी, या फिर आपने जैसे आप गांव में जैसे देखा होगा बैलगाड़ी, तो जब वो चलने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, जब आप उसको लोड कर देते हो अपनी बग्गी को, तो वो जब चलता है तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, कैसे लगाता है, वो आगे की तरफ झुकता है और अपने पैर से सरफेस पर पूरी जान से अपने फोर्स लगाता है। जितनी ज़्यादा फोर्स लगाया, उतनी ज़्यादा फोर्स से सरफेस भी उस पर आगे की तरफ फोर्स लगाती है, और फिर वो चलता है, फिर वो चलना शुरू कर देता है। वो भी किसका एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। तो इस प्रकार बहुत सारी एप्लीकेशन है जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को प्रूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, हम जो ये फोर्स लगते हैं, एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होती है, हम इनको नाम क्या देते हैं। मान लीजिए, देखिए, ये एक सरफेस है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये इस सरफेस पर फोर्स लगाती है नीचे की तरफ, और वो फोर्स कौन सी होती है, mg, क्या होती है, mg फोर्स, वेट उसका क्या होता है, वेट। तो इस फोर्स को अगर ये सरफेस पर फोर्स लगा रही है, तो सरफेस भी क्या करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी, एक फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगेगी, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक्शन, ठीक है। और दूसरी फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और उसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं, वो करते हैं आर। आर किसका सिंबल होता है, नॉर्मल रिएक्शन का। रिएक्शन कौन सी, जो वो सरफेस उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाती है, अगर वो फोर्स नीचे की तरफ, यानी एम जी को
mg नीचे की तरफ फोर्स लग रही है तो उसको बैलेंस कौन करता है? r, और उसका उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो r इज इक्वल टू mg होता है, ये इसको बैलेंस्ड करती है। क्या करती है? बैलेंस्ड, यानी ये कैसी फोर्स है जो, यानी न्यूटन थर्ड लॉ गई, ये जो फोर्सेस लग रही हैं, एक एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर लगा रहा है, दूसरा पहले पर लगा रहा है, ये कैसी फोर्सेस होती हैं? बैलेंस्ड फोर्स। कैसी होती हैं? बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये आपको बताया। तो दीज आर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हमने तीनों लॉ पढ़े, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। पहला लॉ किसके बारे में था? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसका फोर्स का इफेक्ट कितना होता है, जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा उसके मोमेंटम में चेंज आता है। फिर हमने उससे फोर्स की इक्वेशन डिराइव की, उसके एप्लीकेशन को पढ़ा, फिर हमने न्यूटन थर्ड लॉ की एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, और फिर हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ी। तो ये थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो हमने मोमेंटम पढ़ा था उसका कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, क्या वाकई में मोमेंटम कंजर्व रहता है या नहीं रहता, ठीक है, इसको नोट करिए। फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में।